हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाए, सोच रही हूँ कि आप लोगों से मिल लूँ और आप लोगों से बात कर लूँ। तो फ्रेंड्स बताएं, आप सभी कैसे हो? और यार फ्रेंड्स, आज कुछ खाने का मन कर रहा है, तो सोच रही हूँ कि कुछ पराठे वराठे बनाऊँ। पहले सोचा कि आलू के पराठे बनाऊँ, पर अभी घर में आलू नहीं है, तो सोचा कि मूली के पराठे बनाऊँ। तो भी चलते हैं हम किचन की तरफ, बनाते हैं मूली के पराठे। तो आप लोगों को भी खाने हो तो आ जाइए फ्रेंड्स मेरे घर पर। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है गेहूँ का आटा, तो उसमें सबसे पहले हम नमक डाल ही देते हैं। और अभी ये हरी मिर्च है, जो 3 मिर्च डाल रही हूँ अभी मैं। आप चाहिए तो मतलब मिक्सी में पीस सकते हो और चाहिए तो इसमें कूट सकते हो। तो मुझे कूटना बहुत अच्छा लगता है, तो अभी मैं यहाँ कूटूंगी। चलो, ये हो गई पूरी। तो अभी लेते हैं इसको आटे के अंदर मिला देते हैं। अभी मूली के पराठे बना रहे हैं, तो साथ में लिया मैंने हरा धनिया, इसकी कटिंग कर देती हूँ इस आटे के अंदर, छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देती हूँ। आप लोग भी ट्राई करना फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ वैसे ही बनाना, काफी अच्छे लगते हैं। मेरा तो अभी मन कर रहा है कि मैं जल्दी से बनाऊँ और जल्दी से खा लूँ। मैंने बहुत बार बनाया, पर सोचा कि इस बार वीडियो बनाऊं और फ्रेंड लोगों से बात भी हो जाएगी और वो लोग भी बनाकर खाएंगे, तो अभी सोचा कि बना देती हूँ। चलो, धनिया भी हो चुका है और जो एक्स्ट्रा है वो साइड में रख देते हैं। अभी लेंगे हम मूली के पराठे बना रहे हैं, तो आप चाहे तो ऐसे ही ले सकते हो और आप चाहे तो छील के ले सकते। तो मैं छील के ले रही हूँ, ये मेरे खेत के ही हैं। धनिया भी मेरा खेत का ही है और ये मूली भी मेरे खेत की ही है। फ्रेंड्स, आप लोग भी जरूर ट्राई करना ऐसे ही बनाना, मैं बना रही हूँ जैसे ही बनाते जाना। अभी इसकी करेंगे हम घसा। चलो फ्रेंड्स, तो इस टाइप की दिखेगी घसी हुई, आप देख सकते हो जैसे गाजर का हलवा होता है ना उसी टाइप, तो इसे भी हम आटे में मिला देते हैं। तो इसे भी मैंने आटे में मिला दिया है और अभी हम मसाले की तरफ चलते हैं। तो मैं डालती हूँ तेल, वो भी मीठा तेल। अभी मैं मीठा तेल डाल रही हूँ, एक चम्मच मीठा तेल का डाल दिया है। और नमक तो हमने पहले ही डाल दिया है। अभी डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च, जैसे आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो। अभी मैं डाल रही हूँ हल्दी। अभी डाल रही हूँ मैं जीरा, और चाहे तो राई डाल सकते हो और ना चाहे तो ना भी डाल सकते हो, पर मैं डाल रही हूँ। फिर डालते हैं अजवाइन, मतलब अजमा, वो तो आप लोग समझते ही होंगे सभी। अभी डाल रही हूँ धनिया पाउडर। अभी इन सबको मिक्स कर देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं फ्रेंड्स।
क्योंकि अच्छे से मिक्स करने से इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल कम होगी, क्योंकि मूली में बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसकी वजह से अभी पानी की मात्रा बिल्कुल कम होगी। तो अच्छे से मिक्स करके, चलो फ्रेंड्स आप देख सकते हो अच्छे से मिक्स हो चुका है, मैंने मिक्स कर डाला है। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको अच्छे से घूंट लेंगे। थोड़े थोड़ा पानी डालते जाना, बाकी तो इसके पराठे नहीं बन पाएंगे। चलो फ्रेंड्स हमारा आटा भून चुके हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम करते हैं गैस ऑन। तो ले लिया मैंने लाइटर और गैस ऑन करते हैं और ऊपर रखते हैं तवा। तो अभी मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल पतले पतले बनाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो अभी मैं तो बिल्कुल पतले बना रही हूँ, वो आपके हिसाब से आप बना देना। और अभी मैं डालती हूँ पराठा। मेरा गैस बहुत स्लो चल रहा है फ्रेंड्स, तो थोड़ा टाइम लगेगा। फ्रेंड्स आप लोग भी जरूर ट्राई करना ऐसे। तो अभी हम इस पे डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके तेल। अच्छे से पक जाएगा उसके बाद में हम खाते हैं, है ना। अभी एक प्लेट में ले लिया है मैंने, दिखने में भी काफी सुंदर दिख रहा है फ्रेंड्स। और हम खाएंगे आम के अचार के साथ और दही के साथ में इस पराठे को खाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग भी जरूर ट्राई करना ऐसे ही बनाना, और स्वाद कैसा है तो जरूर कमेंट में बताना फ्रेंड्स। दिखने में काफी अच्छा लग रहा है, जैसे मेथी की पूरी लग रही है, पर ये है मूली के पराठे।